न्यू कह तू दे दे मन वेरा दे दू पक्का Six and a half hours later. क्यों नहीं डरे यार? क्या था ये? कोई सेंसेस बात की? निकले कैमरा ऑन करके आना मैं सोचा पर है ना क्या होगा कुछ प्रैंक प्रूंक वा कर रही होगी और तगड़ा वो लोग बनागा मैं कैमरा ऑन करता है प्लीज बु गुस्सा भी होने का क्यों नहीं डरे क्यों नहीं डरे ये क्या बात होती है मैं मगर कंट्री ये आना गाइज गाइज देखो कह रही है चाय नहीं दूंगी जब तक डरोगे नहीं फिर दोबारा जाओ ये कोई जबरदस्ती का सौदा है ये मैं देखो इतनी अच्छी चाय बनाई मैंने चाय नहीं दवाई है दवाई जो आप हमेशा बोलते हो देख लो दवाई जब मिलेगी जब आप गाइस ऐसे बोल रही है दोबारा जाओ घर से बाहर फिर मैं डराऊंगी फिर ब्लॉग के अंदर डरना और फिर उसके बाद मजा आएगा कोई जबरदस्ती है चल Okay, guys. Bye. 3 hours later. Guys, हम लोग जा रहे हैं फॉग पे और अब मैं अभिषेक को डराने वाली हूँ. Let's see. देखो, देखो सांप. सांप. देखो ना. अरे तो सांप है तो तू वहां भागी जाएगी क्या हाँ आप तो डरे ही नहीं यार अरे तो तू मैं डर जाऊंगा मैं बिल्कुल तेरे व्लॉग में डर जाऊंगा जबरदस्ती का फेक डर जाऊंगा फू करके लेकिन कोई सेंस बनती है तो सांप के लिए वहां भागी गई है कि देखो देखो सांप को बोल रही है कि देखो देखो अभिषेक सांप को डरा रही है कि मेरे को डर देख कैसे हंस रहे हैं गाइस यूं नहीं थोड़े से डर जाते तो एक होता है कि कोई स्कोप तो छोड़ मेरे लिए डरने का तू तो हजार ही है वाह सांप के पास जाए देखो देखो सांप देखो देखो अरे तो कुछ कुछ तो लॉजिक लगाया कर प्रैंक करने से पहले अरे मूर्ख बंद कर इसको बहुत फोन पे लगा रहने लग गया तू बहुत फोन पे लगा रहने लग गया है स्कूल फ्रेंड है स्कूल फ्रेंड है मैंने पूछा कौन है है? और ये सब व्लॉग में कैप्चर हो रहा है हेलो गाइस तो गाइस अभी हम कर रहे थे वॉक और वॉक करते करते देखा आपने हाल देखा क्या हाल थे गाइस देख ना मतलब यू भी नहीं कि जानबूझ के डर जाऊं जानबूझ के डर जाऊं अरे मतलब बिल्कुल सी गाइस आप कमेंट करके बता देना कि क्या यहां कोई स्कोप था जानबूझ के डरने का अच्छा इससे पहले वो दरवाजे वाला भी मैंने बताया था कि वहाँ से पहले ही कि घर कब आ रहे हो मैंने कहा ठीक है आराम आ रहा हूँ चाय बना लेना कह रही तो कैमरा ऑन करके आना मैं सोचा ले भाई कुछ भयंकर कैमरा ऑन है तो व्लॉग के लिए कोई कंटेंट होगा या कोई गेस्ट आ गए होंगे या भाई कुछ बनाया होगा या कोई मतलब कुछ तो कंटेंट होगा एकदम से बहू इस चीज़ के लिए मेरे को 3 रिमाइंडर दिए थे कि कैमरा ऑन करके आना ऐसे तो तेरे प्रैंक कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो जाएंगे देखना एक दिन इतना बड़ा प्रैंक करूंगी कि आप याद रखोगे ऐसे तो होली है आप बताओ लक्षण लग रहे हैं सक्सेसफुल प्रैंक करने के गाइस से खुद पूछ लेना गाइस खुद बता देंगे गाइस आप लोग कमेंट करके बता ही देना 2 hours later देखो
लेकिन मैं अपने फोन में ये वीडियो नहीं बना सकती, हो सकता है क्वालिटी का थोड़ा इशू आए, तो पहले मैं देखती हूँ कि अभिषेक का फोन कहाँ है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। चलो गाइस, क्या बोल रहे थे अब नींद में? क्या कर रही थी? मैं तो सुन रही थी कि आप क्या बोल रहे हो नींद में, कितनी देर से बोले जा रहे हो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सुन रही थी ना, अभी तो बता रही हूँ मैं कि आप क्या बोल रहे हो नींद में, कब से बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो। तो यहाँ क्यों बैठी है तू? क्यों हंस क्यों रही है? क्या कर रही है? मेरे को क्यों चाहिए? अरे बोल ना। आप क्या पड़बड़ कर रहे थे नींद में? क्या कर रहा था मैं? आप ही बताओ क्या कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? दिखा दे, फोटो खींच के दिखाती हूँ। अबे गाइस, प्रैंक्स सक्सेसफुल। तो ये करने में यहाँ बैठी हुई है? कितने फनी लग रहे हो आप। ये क्या है? पी आर ए एन और के, पर आप उठ गए, लेकिन फिर भी मेरा जो प्रैंक है वो सक्सेसफुल हो गया। ये कैसा प्रैंक है? एक बार लेके आया तो फोन लेके आया, मतलब प्रैंक सक्सेसफुल होता था। एक बार लेके फोन लेके आया क्यों? देखे तो गाइस, ये देखो, आजा तू भी आजा। गाइस मुझे एक बात बताओ, ये प्रैंक कैसे सक्सेसफुल हुआ? क्यों कैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ? मैंने जो करना था कर दिया। पकड़ एक बार इसको, तूने जो करना था तो कर दिया। ये देखो, इसने एक तरफ से तो कर दिया, यहां से कुछ हो ही नहीं रखा। दूसरी चीज, ये क्या मेरे को जंगली बना रही है? ये क्या है? ये तीन, ये क्या क्या बना रही है? बिल्ली, भगवान के लिए प्लीज ऐसा बोल दे कि तू बिल्ली नहीं बना रही थी, जंगली बना रही थी। मैं अब भी प्रैंक सक्सेसफुल बोल दूंगा। हाँ गाइस, जंगली बना रही थी, जंगली।
कौन सी बिल्ली की मुझे यहाँ होती है, कौन सी बिल्ली की मुझे यहाँ होती है, यहाँ बनाती, और एक साइड मुझे होती है। प्रैंक जब सक्सेसफुल होता है जब तो पूरा मेकअप कर देती, और मैं थोड़े से टेढ़े सो रहे थे इसलिए रह गया था, नहीं मैं, तो मैंने तो पूरा कर दिया था मस्त। मैं अभी ये सोच रहा हूँ एन और के रह गया, एन और के कहाँ ना उड़ा देती तू, ओ यहाँ कहीं भी उड़ा देती मैं मस्त। पकड़े बार इसको, पहले तो मैं सोचा कि ये पैरा मिलिट्री फोर्स ऐसा कुछ मेरे को बना रही है, कमांडो वमांडो, कम से कम ऐसा बोल देती ना कि मैं आपको कमांडो पैरा कमांडो वो कर रही थी, मैं तेरे प्रैंक को सक्सेसफुल बना देता। ये यहाँ लिख रही थी प्रैंक, पी आर ए एन के की जगह ही नहीं है। गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बोल दो कि ऐसे प्रैंक अटेम्प्ट ना करे, ये मेरी सेहत के लिए नहीं, इसकी सेहत के लिए नहीं, व्यूअर की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। मेरे तो को मैं पूरा कर देता हूँ ना, अभी 2 सेकंड लगेंगे फिर प्रैंक कंप्लीट, क्यों है ना गाइस। एक काम करो गाइस, इसकी तमन्ना पूरी कर दो, जल्दी लिख दे जल्दी। हाँ, एक सेकंड, इसकी तमन्ना पूरी कर दो आप, ये जो करना चाह रही है इसकी तमन्ना पूरी कर दो। अब सुनो गाइज मेरी बात, ये गाइज आपके और मेरे बीच की बात है, कोई भी कमेंट में ऐसा नहीं लिखेगा अनसक्सेसफुल प्रैंक, फ्लॉप प्रैंक नहीं, सक्सेसफुल प्रैंक है गाइज, और किसी को नहीं बताना, चुपचाप लिख के मस्त लग रहे हो बिल्कुल, और इसको राजी कर दो कि बहुत बढ़िया प्रैंक किया, सक्सेसफुल किया, ताकि ताकि इसके अंदर से ये उत्तेजना ना उठे कि मेरे को प्रैंक सक्सेसफुल करना है। मैं काश मैं इसकी नॉर्मल लाइफ डॉक्यूमेंट कर पाता, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते, काश मैं मेरे 24 घंटे यहाँ कैमरा लगा रहता ना, तो मैं बता रहा हूँ। अब आप ये बता दो, ये पैरा कमांडो और ये बना दिया मेरे को, लग तो बहुत क्यूट रहे हो, देखो आपकी वाइफ ने आपको मस्त बना दिया। सांप देखा था गाइस? हाँ गाइस, दरवाजे के पीछे देखा था गाइस, लेकिन ये देखो गाइस ये दुनिया की ये सक्सेसफुल है, ये प्रैंक गाइस, ये प्रैंक पहली बात तो ये कॉपीड प्रैंक है, कनी का ये प्रैंक रोहित के ऊपर बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कर चुकी है, कितने सालों पहले, कितने साल हो गए, इसीलिए नहीं कितने साल हो गए पहले ये बताओ, एक साल, इसलिए शी इज सक्सेसफुल व्लॉगर, और इसलिए आप अल्ट्रा लेजेंड व्लॉगर हो। कोई बात नहीं, मैं भी कम से कम मेरे को पता तो होना चाहिए मैं क्या पहना हूँ, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कंट्रोल। और बेटे अगर इनमें से कुछ भी नहीं उतरा ना, ऑफ कैमरा पे मैं अपने आप उतार, ऑफ कैमरा पे जो प्रैंक होगा ना उसके जिम्मेवार यही है गाइस, सब उतरने वाला है। हाँ वैसे मुंह पे अगर लड़कियां लगाती तो उतरता तो होगा ही, ऐसा तो नहीं परमानेंट हो जाता। तो गाइज ऐसा है कि प्लीज इसको बोल दो कि बहुत सक्सेसफुल प्रैंक था, और ये हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, आपकी और मेरे बीच की अंडरस्टैंडिंग है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये कमेंट पड़ेगी खुश हो जाएगी, दोबारा प्रैंक नहीं करेगी। और कुछ अगर आपको, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आपको जरा से भी कुछ ऐसी मतलब अंदर से वो हुआ कि अरे शिट मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी बीवी की तरफ से, प्लीज़ सो सॉरी। कौन सी सॉरी, इतना मस्त प्रैंक है गाइस, आप खुद ही बता देना कैसा लगा प्रैंक, एकदम मस्त सक्सेसफुल प्रैंक है, देखना जो लिखना था वो लिख दिया प्रैंक, जो ये तो ये कटेगा नहीं, ये जो तूने बाद में लिखा है ना ये मैं रखूंगा कि तूने बाद में लिखा है, तू क्या सोच रही है कि मैं एकदम से उठा और क्या जादूगर थोड़ी हूँ कि ऐसे एडिट कर दूंगा, कर एक साइड से क्यों किया तूने, अब सो इस तरह पहले तूने मेरी नींद खराब क्यों करी सबसे पहले ये बता, तो इतनी जल्दी कौन सोता है, कौन सोता है टाइम बता, ये देखो घप अंधेरा हो रखा है, पूरा फुल अंधेरा हो रखा है बाहर, हो गया इतनी टाइम बता, टाइम शायद 11:45 हो रहा है, ये भगवान गाइस जो लड़का हमेशा 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे सोता है, आज वो 11:45 पे कैसे सो सकता है।
तो गाइज मैंने माफी मांग ली, अभी इसको यहीं समाप्त करो। रुको रुको, ऐसे कैसे समाप्त करेंगे, दो मिनट को। तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लीज कमेंट में बताना कि मेरा प्रैंक कैसा लगा। ओके फिर सो गए, इसको धो तो लो, सारा वो खराब कर दो। करने से पहले सोचना था। नहीं अभी अभिषेक, कभी अभिषेक, कभी अभिषेक, कभी अभिषेक, किल 'em, who be the best on the mic, better tell 'em, अभी अभिषेक।